एक बात तो है कि आप किसी भी वीडियो से सब कुछ नहीं सीख पाते। मेरा कहने का यह मतलब है, अब मैंने एक टेप्स पे वीडियो बनाई थी कि हमारे इस तरीके से टेप्स निकलते हैं, मैंने एक कोड पे वीडियो बनाई थी कि इस तरीके से हमारे कोड निकलते हैं, मैंने पूरा मेथड बता दिया। क्या आप कोड निकालना सीख गए? नहीं सीखे। मैंने टेप्स पे वीडियो बना थी, क्या आप टेप्स निकालना सीख गए फुल एंड फाइनल? नहीं सीखे। तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको ये करना पड़ता है कि आपको पता नहीं मेरे चैनल की वीडियो देखनी पड़ती है, किसी और के चैनल की वीडियो देखनी पड़ती है, तीसरे बंदे ने डाली उसके चैनल की वीडियो देखनी पड़ती है, मैंने कल टैप्स पे वीडियो फिर बना दी तो मेरी वीडियो देखनी पड़ती है। तो आप जब थोड़ी थोड़ी वीडियो हर किसी की देखते हो तो आपके समझ में आता है। अब मेरा कहने का क्या मतलब है, आप एक वीडियो से सब कुछ नहीं सीख पाते। मेरा कहने का क्या मतलब है, मैंने आज से पता नहीं छह महीने पहले मैंने एक चक पे वीडियो बनाई थी। आज का हमारा गिटार लेसन ही चक पे होने वाला है। मैंने आज से 6 महीने पहले पता नहीं 7 महीने पहले एक चक पे वीडियो बनाई थी कि हम चक किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया था खाली चक पैटर्न प्ले करना, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैं स्ट्रमिंग के साथ चक प्ले करना कि आप किस तरीके से फ्लो में ला सकते हो। उसमें मैंने वर्क करा था, हो सकता है जो आज की वीडियो में मैं बात बता रहा हूँ हो सकता है उसमें मैंने ना बताई हो। तो आपको डेली बेसिस पे वीडियो देखनी पड़ती है। मैंने टैप्स पे कितनी वीडियो बनाई है पता नहीं, कितनी वीडियो बना दी। क्या आप टैप्स निकालना सीख गए? थोड़ा बहुत सीखे हो गए तो आपको हर वीडियो सब कुछ नहीं सिखा सकती। मैं सच बता रहा हूँ, सब कुछ नहीं सिखा सकती। मेरी वीडियो देखते हो, किसी और की चैनल की वीडियो देखते हो किसी और की, तो आपको गिटार प्ले करना है। मैं अगर बैठा रहूंगा तो मेरे चैनल से आप पूरा फुल एंड फाइनल गिटार नहीं सीख पाते, ठीक है, नहीं सीख पाओगे। तो आज का हमारा गिटार लेसन होने वाला है चक के ऊपर कि हम चक कैसे प्ले करें, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बना दी थी, आज की वीडियो में हमारी चक पैटर्न के ऊपर होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। तो उससे पहले अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर कर लेना ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब आ जाता है मेरे क्लोज लुक में, देखते हैं एक्चुअली हम चक पैटर्न किस तरीके से प्ले कर सकते हैं और स्ट्रमिंग पैटर्न के अंदर बताऊंगा खास तौर पे, एंड बहुत इंटरेस्टिंग आज का हमारा लेसन होने वाला है। आ जाते हैं अपने क्लोज लुक में। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए अपने क्लोज लुक में। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्ट्रमिंग पैटर्न की। अगर स्ट्रमिंग पैटर्न आपने अच्छे से बोल लिया तो आप चक क्या आप कुछ भी प्ले कर सकते हो यार। बस खाली आपको क्या करना है कि आपको पहले बोल के प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न क्या है, मैंने सी कोड लगा रखा है, कोड पे हमारा ध्यान नहीं है, ठीक है। आप ओपन कोड जोन सा मर्जी लगा सकते हो, जिस भी आप सॉन्ग की प्रैक्टिस करना चाहते हो। सबसे ज्यादा हमारा फोकस है अपने चक पे आज, ठीक है। तो चक पे हम क्या करने वाले हैं, चक पे हम करने वाले हैं कि हमें स्ट्रमिंग पैटर्न पता होना चाहिए कि यार हम स्ट्रमिंग पैटर्न के अंदर अगर हम चक डालेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप फ्लो में आ पाएंगे, ठीक है। अगर आप क्या होगा कि बस मैं चक की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो मेरे भाई फिर फ्लो में नहीं आ पाएगा। अब मैं फ्लो में किस तरीके से कह रहा हूँ, स्ट्रमिंग पैटर्न के अंदर चक प्ले करना। जैसे कि अब मेरा स्ट्रमिंग पैटर्न क्या है, स्ट्रमिंग पैटर्न है हमारा ये, डाउन डाउन चक अप डाउन अप चक अप डाउन चक अप डाउन अप चक अप, ये है हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न। स्ट्रमिंग पैटर्न को सबसे पहले आपको बोलना है डाउन चक अप डाउन अप चक अप डाउन चक अप डाउन अप चक अप डाउन चक अप डाउन अप चक अप, ठीक है। आपको ये करना है, सबसे पहले काम क्या है, आपको बोल के प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप बोल के प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे भाई फिर आप कुछ भी कर लो यार। मैं हमेशा से क्या बोलता हूँ, जब तक आपको स्ट्रमिंग पैटर्न की चाल नहीं पता होगी ना तो मेरे भाई आप फिर भटकते रहोगे यार, हर चीज में भटकते रहोगे। आप 36 वीडियो देख लो फिर मैं कह रहा हूँ यार बेकार है, जब तक आपको स्ट्रमिंग पैटर्न की चाल नहीं पता होगी। अब हम करते हैं डाउन चक अप डाउन अप चक अप। चलो ठीक है, हम स्ट्रमिंग पैटर्न तो कर लेंगे लेकिन चक का क्या करना है सर, ये तो बताइए मेरे भाई। आपको चक का क्या करना है, आपको डाउन चक, ठीक है, आपको पिक पकड़नी है, ठीक है। अगर आपको पिक पकड़नी नहीं आती तो मैं आपको बता देता हूँ, ये होती है हमारी पिक, ठीक है। अबे ये कहाँ फोकस चला गया भाई, ये बात, ये आपको पिक है, आपको इस तरीके से पकड़नी होती है। मैं आपको फोटो भी शो कर दूंगा, ये फोटो शो हो गई है आपको, ठीक है। तो ये है हमारी पिक, इस तरीके से आपको पिक रखनी है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से आपको यहाँ पे पिक रखनी है। जहाँ से हमारी फिंगर मुड़ती है, ये वाली जो फिंगर मुड़ती है हमारी, ये वाली, यहाँ से यहाँ पे हमें इतने हिस्से में पिक रखनी होती है अपनी, इस तरीके से आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, ये यहाँ पे हमें पिक पकड़नी होती है। अब इसके ऊपर थम आया, ये हमारी पिक हो गई, पिक का इतना पार्ट आपको दिखना चाहिए, है ना, ये वाला हमारा पिक का जरा सा पार्ट दिखना चाहिए इतना, ताकि हम स्ट्रीमिंग प्ले कर सकें। अब हमें पिक तो आ गई सर, अब हम पिक तो पकड़ लेते हैं, पिक भी आती है, चक का बताइए जल्दी से सर, क्यों लेसन लंबा कर रहे हो? अरे बता रहा हूँ भाई, रुक जाओ। तो अब हमें क्या करना है, डाउन चक। अब हमारा जो ये पाम है, ठीक है, सारा खेल हमारा इस पाम का होता है, जिसे कहते हैं हथेली। ये जो हमारा पाम है, ये जो हमारी हथेली है,
ये जो हमारा पाम है इससे हमें चक प्ले करना होता है। चक किस तरीके से प्ले करना होता है, हमें यहाँ पे रेस्ट हमें अपनी हथेली यहाँ पे कर देनी होती है। जैसे कि मैं डाउन और मैंने इस तरीके से आया और यहाँ से पहले सबसे पहले हमें क्या आता है, हमें सबसे पहले हमारा ये वाली चीज आती है हमारे पाम, तो पाम इस जगह लगेगा। मैं अब थोड़ा जूम और कर दूं, हैं मैं थोड़ा जूम और कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो हथेली है, ज्यादा ही हो गया यार देखो, ये जो हथेली है पहले ये आएगी। अब मैं करता हूँ डाउन चक, ठीक है, अब मैं कर दूंगा चक। पहले हमारी हथेली आई, हथेली से सबसे स्टार्टिंग में ही हमें म्यूट कर देनी है अपनी सारी फिंगर। और ये जो चक की साउंड होती है ना, ये ना हमारी पिक की होती है और ना हमारे पाम की होती है। मैं आपको हकीकत बताऊं, ये हमारी साउंड किस चीज की होती है, जो हमारी स्ट्रिंग है, जो ये हमारी स्ट्रिंग है, एक मिनट, जो ये हमारी स्ट्रिंग है, जब ये अपनी इस फ्रेट बोर्ड पे लगती है तो उसमें ऐसी साउंड आती है, इसको हम चक बोलते हैं। समझ गए, इसको हम चक बोलते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या कंफ्यूजन है कि हम जब हमारी हथेली आती है तो यहाँ से साउंड निकलती है, हमारी पिक में से साउंड निकलती है। नो, दिस इज रॉन्ग, ये हमारी पिक में से साउंड नहीं निकलती। हमारी साउंड किस चीज में से निकलती है, जब ये सारी स्ट्रिंग हम इस तरीके से मारते हैं तो ये जो सारी स्ट्रिंग है, जो भी हमारी ये है, ये फ्रेटबोर्ड से टच होती है। ये देखिए, इसको चक बोला जाता है, इस वर्ड को हमारा चक बोला जाता है। ये जो हो रही है ना, ये जो हमारी सारी स्ट्रिंग है, ये इससे टच करनी होती है हमें। ये टच कहाँ कैसे करनी होती है, अब हम इसे ऐसे नहीं मारेंगे, हाथ से ऐसे नहीं मार सकते। अब मैं स्ट्रमिंग करता हूँ, डाउन चक अप, नहीं, ये नहीं मारना होता हमें। तो क्या करना होता है, हमें हथेली से ये नीचे की तरफ करनी होती है अपनी हथेली, ताकि ये इस तरीके की साउंड आए। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप इस तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हो। सपोज कि मेरे हाथ में पिक है तो मैं इस तरीके की प्रैक्टिस करूंगा सबसे पहले, कि ये जो पिक ही गिर गई यार मेरी, चलो ठीक है, पिक उठा लेना यार अपनी। तो आपको क्या करना होता है कि आपको अपनी हथेली से इस तरीके के मारना होता है, ताकि ये वाली जो हमारी सारी स्ट्रिंग है 6 की 6, ये इस पे ऐसे टकराए, यहाँ इस जगह से टकराए। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ए इस जगह से टकराए, ए इस जगह से, ये यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है, ये इस जगह से टकराए। जैसे कि मैंने ये हथेली मारी अपनी, ठीक है, ये मैंने अपनी हथेली मारी इस तरीके के, ये मारी, तो ये जो सारी स्ट्रिंग है ये ना इससे टकराएंगी, इस फ्रेटबोर्ड से टकराएंगी, तो हमारी चक की साउंड आती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, सर कहाँ से चक की साउंड आती है, इस तरीके के आते हैं। मैंने इस ये नहीं कर सकते क्या, यही तो हमारा चक है यार, ये अपनी हथेली को ऊपर से लाओ और यहाँ पे पटक दो, ये अपनी हथेली को लाओ, 6 की 6 स्ट्रिंग पे ऐसे नीचे की तरफ लगा दो, ठीक है। अब ज़्यादा तेज भी मत मार देना, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा, ये इस तरीके से आपको देख के ही पता चल रहा होगा यार किस तरह। इतना नहीं कर सकते क्या, यही तो हमारा चक है भाई, यही तो पता नहीं क्या हुआ बना रखा है साला, चक प्ले नहीं होता, प्ले नहीं होता, यही तो चक है। ये ऊपर से आओ, ये रहा, पिक भी नहीं पकड़ रखी, चक की साउंड आ रही है, देखिए, ये रहा, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, ये करना है कि आपको अब स्ट्रमिंग प्ले करनी है, डाउन चक, जो हमारी ये वाली साउंड है, ये प्ले करती है हमारे 50% साउंड, ये हमारा 50% साउंड है, एंड 100% साउंड निकालती है हमारी ये पिक, 50-50%, ठीक है। तो ये हमारा डाउन चक, अब हमारी ये है, ये साउंड सुन रहे हो आप, ध्यान से साउंड सुनने वाले, ये हमारा जो चक आ रहा है और जो ये हमारी स्ट्रिंग है, ये तो फ्रेटबोर्ड से लग के साउंड तो इसकी आ ही रही है, 50% आ रही है, लेकिन 100% चाहिए हमें, 100% हमारी पिक से आती है, जो कि हमारी इस तरीके की होती है, इस तरीके की। अब मैं करता हूँ डाउन चक, अब मैंने करा चक, ये देखो, ये मैं अगर मैं बहुत स्लो मोशन में दिखाऊंगा तो आपको साउंड नहीं आएगी। अब मैं स्लो मोशन में करता हूँ, अगर मैं फ्लो में करूंगा तो आपको साउंड आएगी। अब मैं करता हूँ, एक मिनट, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ हल्का सा, अब मैं फ्लो में करता हूँ, एकदम फ्लो में करता हूँ। अब तो आपको साउंड आ रही है, लेकिन जब मैं स्लो मोशन में दिखाऊंगा, स्लो मोशन में मैं दिखाता हूँ कि स्लो मोशन में देखते हैं एक बार, डाउन, ये मेरे हथेली लगी, इसकी तो साउंड आएगी, लेकिन इसकी यहाँ पे साउंड आ गई, एक बार इससे और हम नीचे कर देंगे, ये हमारी 100% हो गई, डाउन चक 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 चक, ये हो गया हमारा चक। अब हमें स्ट्रमिंग पैटर्न प्ले करनी, डाउन चक अप, डाउन अप चक अप, डाउन चक अप, डाउन अप चक अप, डाउन चक अप, डाउन अप चक अप, डाउन चक अप, डाउन अप
चक पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो यार, फिर जब फ्लो में आओगे ना आप स्ट्रमिंग पैटर्न प्ले करोगे सिंगिंग करोगे तो ये फ्लो में आ जाएगा। सबसे पहले चक, अब मैं अब देखो मैं पहले क्या करूंगा अपना पाम मारूंगा, ये मैं जो हथेली है ये सारी स्ट्रिंग पे मारूंगा, कितनी 50%। अब ये मैं पिक से भी एकदम सारी स्ट्रिंग पे कच कच कर दूंगा, ठीक है ये चक चक, तो 100% वॉइस हो गए हमारी। हथेली मारूंगा तो 50%, अब मैं इससे मारूंगा तो पिक मारूंगा तो 100%, ये हमारा हो गया चक। अब करते हैं डाउन चक अप डाउन अप चक अप, इस तरीके से हमारा चक पैटर्न प्ले होता है, ठीक है। इसमें यार ज्यादा ना मत्था मारने की जरूरत नहीं है भाई, डाउन चक अप डाउन अप चक अप डाउन चक अप डाउन, हथेली को बस यहाँ पे रिस्ट कर देना, डाउन अप चक अप डाउन चक अप डाउन अप चक अप डाउन चक अप डाउन अप चक, और कुछ नहीं है भाई। वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही मैं ऐसे इसी तरीके की वीडियो लेके आता रहता हूँ। वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में नहीं चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लेना ताकि मेरे वीडियो से आपको मिलता रहे। बस आज की वीडियो में इतना ही, तो दोस्तों एंड मेरे भैया बहनों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टेक केयर बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।